नमस्कार अमरीदनो, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने एग्जाम डेट का। अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम वो 21 मई से होने जा रहा है। आपका इस बार का जो एग्जाम है वो बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन कौन से विषय हैं जिसकी समय अवधि बढ़ाई गई है, यानी अब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें आपको 15 मिनट बाकी विषयों से ज्यादा मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि इस बार सीयूटी 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से यूजीसी या हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने कई सारे बदलाव किए हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये भी ध्यान रखिए कि कमिंग डेज में आपको इस चैनल पे सीयूटी से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो दिए जाएंगे, तो वो वीडियो आपको तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए और उसमें जो भी बातें सुझाई जाएं, जो सुझाव दिए जाएं, आप उसको तुरंत अमल करें। तो ऐसे में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इस चैनल का। अब मैं आपको दो तीन पॉइंट समझा रहा हूं। सबसे पहले 9 विषयों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। वो लगभग साइंस के विषय हैं जिसमें फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है, साथ ही साथ आपका जनरल टेस्ट भी है। टोटल 9 विषय है। ये पूरे 9 विषय का जो कॉमेंट है वो मैं कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप देख लेना। और अब समझो कि कितना 15 मिनट बढ़ने के बाद हो रहा है। अभी तक ये था कि आपके डोमेन में जो क्वेश्चंस आएंगे 50 आएंगे तो 40 अटेम्प्ट करना है, ऐसा था। तो आपके इस 40 अटेम्प्ट करने के लिए जो समय दिया जाता है एक जनरली बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो है 45 मिनट, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को मैं बता रहा हूं ये 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड जीटी, इनके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। इट मीन्स की एडिशनल 15 मिनट, और ये 15 मिनट उसी दरमियान चलेगा। आपके स्क्रीन पे जो टाइमर लिखा होता है उसी टाइमर में आप वो इंक्रीज करके देखोगे, वो टाइमर 60 मिनट के बाद जाके खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 15 मिनट पूरा यूटिलाइज करने के लिए है। आप उसमें चाहे तो पूरा पेपर पढ़ो, चाहे आप आंसर अपना सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड के लिए मैं आपको पहले अनाउंस कर चुका हूँ, एक वीडियो बनाया था कि वो बिफोर योर 3 डेज ऑफ एग्जाम डेट, आपके 3 दिन पहले एग्जाम डेट के आपके पोर्टल पे ऑफिशियली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस बार आपका जो पूरा एग्जाम है वो 10 दिन के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम भाई 20-25 दिन चला। बहुत सारे बच्चों का तो एग्जाम बाद में डेट दे देकर कराया गया। कहीं कहीं पे बारिश हो गई थी, आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे सेंटर कैंसिल कर दिया गया था, कहीं कहीं पे गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। इस बार यूजीसी का ये कहना है कि हम लोग बहुत ही प्रिपेयर है, हम लोग एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स लगा रखे हैं सेंटर पे, और अभी से सेंटर पे पूरा एक तरह से वेरिफिकेशन एक रिव्यू किया जा रहा है कि कोई भी कमी ना होने पाए। मैं आपको इसी वीडियो में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सीओटी में बहुत गड़बड़ियां होती हैं। आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा वहां पे कोई गड़बड़ी, कोई भी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, आपके पास मोबाइल है, आपके साथ गार्जियन जाएंगे, आप उसे सूट करके हमारे इस चैनल के लिए आप भेज सकते हो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा। एक एक बच्चे के भविष्य की बात होती है, किसी का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाता है, ऐसा भी देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन इस बार उनका कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, आपका पेपर अचानक से कैंसिल हो जाता है, पेपर बदल जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें पाठशाला आपके साथ है, आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे पॉइंट्स है जो अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पे बताऊंगा कि वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि आप पूरे 100 क्वेश्चंस को जीटी लैंग्वेज मिला के या जो भी आपका डोमेन है, जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए विद इन एग्जामिनेशन हॉल, तो वो मैं वीडियो दे दूंगा। इस वीडियो को आप हर एक ग्रुप और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मैं आपको इस वीडियो में ये बात बताया कि आपका एग्जाम 10 दिन चलेगा और 9 विषयों जो जिनका मैं कॉमेंट कर दे रहा हूँ, उन 9 विषयों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, उन्हें 15 मिनट ज्यादा दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, ये बात ध्यान रखना, आप सही करोगे तो 5 दिए जाएंगे, गलत करोगे तो 1 कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये निगेटिव मार्किंग कैसे वर्क करता है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछना, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग का पूरा प्रोसेस बता देंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि सीयूटी में तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, क्योंकि तुक्का किस लिमिट तक मारना चाहिए, कितने क्वेश्चंस पे आप तुक्का मार सकते हो, इसका भी एक
लॉजिकल रीजनिंग होता है, अगर आप समझोगे तो आप शायद गलत ज्यादा तुक्का मार के ना हो, और एक समय एक लिमिट तक अगर तुक्का मार के आते हो तो शायद उससे आपको फायदा भी हो जाए। अगर ये बातें नहीं समझ में आती है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सब मुस्कुराते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रिवीजन करो, बहुत अच्छा होगा। अभी मैं बहुत 2-3 दिन के अंदर आपके लिए करंट अफेयर्स का पूरा वही क्वेश्चन लाके दे दूंगा, कम्युनिटी में मैं डाल भी रहा हूँ, उसको जाके सॉल्व करो, वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, वो रामबाण है। मैं आपको फिर से इस वीडियो में एक बार समझा दे रहा हूं, वैसे मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, बजट, फीफा, आईफा और कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कुछ मिनिस्ट्री, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ समिट, ये सब आपके करंट अफेयर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म के जितने भी अवार्ड है, श्री, भूषण, विभूषण, ठीक है, मुस्कुराते रहे, बहुत सारे शुभकामनाएं।